अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं ब्लॉग लेके आई हूँ बहुत ज़बरदस्त सा, क्योंकि मैं रिव्यू लेके आई हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा है, बॉटल सिल्वर ज्वेलरी क्लीनर के नाम से, और ये बेस्ट है। मेरे पास तो ये USA से आया है, तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊँगी। यहाँ पे भी अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं किसी भी बड़ी शॉप से। तो यहाँ आपकी कोई भी चांदी की ज्वेलरी या इमिटेशन ज्वेलरी जो होती है, जो काली पड़ जाती है, ख़ासतौर पे चांदी जो है ओरिजिनल, वो फ़ौरन काली पड़ती है, तो ये उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि करना क्या है। इस तरह की बॉटल है, और ये देखें, ये है एयरिंग, आई थिंक 30 से 35 साल पुराना एयरिंग है, ये मेरी अम्मी का है, तो ये चांदी का था ओरिजिनल। तो मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया है। इस तरह हम जो है, ये होल्डर होता है लिक्विड के अंदर, होल्डर में मैंने इसको डाल दिया है। इसको मैं मैक्सिमम हमें 10 सेकंड्स रखना है, काउंटिंग करेगा आप लोग इजीली 10 सेकंड्स तक, ताकि ये अपना वर्क करे। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है हमारे, आपको पता है ज़्यादातर ख़वातीन जो है वो ज्वेलरी आपको पता है सबके पास होती है, तो वो चांदी हो गई या इमिटेशन ज्वेलरी काली पड़ जाती है वक्त के साथ। तो ये जाके करवाना इससे अच्छा नहीं कि घर में आप देखें। ये देखें, मैं आपको रिज़ल्ट पहले बता दूं, फौरन दिखाती हूँ मैं आपको इसका रिज़ल्ट कि कैसा रिज़ल्ट है। अच्छा, इसमें ये किया है कि डिप करने के बाद जो मैंने निकाला है, तो इसको वॉश करना है, और टूथब्रश जो होता है उससे थोड़ा सा हमें इसको रब करना है। वॉश के बगैर मत पहनेगा, क्योंकि ये एक एसिड होता है, जो लिक्विड है वो एक एसिड है, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। और आपको फ़र्क वादिस नज़र आ रहा है, और ये देखें, ये इस तरह का ये गले का भी था नेकलेस, इसको भी मैंने इसी तरह एक्सपेरिमेंट किया, ये भी आपके सामने इसका फ़र्क ज़ाहिर है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, रिव्यू था ये एक लिक्विड के बारे में। आप लोग भी ज़रूर इसको अपने पास रखिए, बहुत काम आता है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।